सुप्रभात छात्रों, RCI एजुकेशन हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम। और बेटा, अब हम पढ़ रहे हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जिन संज्ञा शब्दों के अंतिम वर्ण में आ की मात्रा हो, किसकी मात्रा हो, आ की मात्रा हो, तो उसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के वर्ण अंतिम वर्ण में किसकी मात्रा हो, आ की मात्रा हो, तो उसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। यथा जैसे लता, माला, बालिका, रमा, चटका इत्यादि, यानी कि बहुत सारी ऐसे ही आकारांत शब्द, यानी जिनके अंतिम वर्ण में, जैसे लता के अंतिम वर्ण ता में क्या है, आ, माला के ला में क्या है, आ, बालिका के का में क्या है, आ, रमा के मा में क्या है, आ, चटका के का में क्या है, आ, इस प्रकार से ये सारे शब्द कैसे कहलाए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाए। ठीक है, अब इनमें से मैं किसी भी एक शब्द को लेकर के उसका रूप बना देती हूँ, उसकी उसी के अनुसार बाकी सारे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगी, विभक्ति। सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा शब्द रूप, आकारांत माला शब्द रूप। आकारांत स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग माला शब्द रूप, माला शब्द रूप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगी, विभक्ति। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। अब बेटा, शब्द रूप हमने क्या लिया, माला। एकवचन प्रथमा में माला, द्विवचन माले, मालहा। द्वितीय विभक्ति एकवचन में मालाम, माले, मालहा। तृतीय एकवचन में मालया, मालाभ्याम, मालाभी। फिर चतुर्थी एकवचन में मालायी, मालाभ्याम, मालाभ्य, मालायी, मालाभ्याम, मालाभ्य। पंचमी एकवचन में मालायाः, मालाभ्याम, मालाभ्य। ठीक है, षष्ठी एकवचन में मालायाः, मालयो, मालानाम। सप्तमी एकवचन में मालायाम, मालयो, मालासु। हे माले, हे माले, हे
मालहा। ठीक है बेटा, इस प्रकार से यानी कि जिस प्रकार से मैंने माला शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप आपको करवाए, ऐसे ही लता, बालिका, रमा, चटका और भी जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे विद्या हो गया, दया हो गया, सारिका हो गया, कक्षा हो गया, आदि जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है वो इसी प्रकार से चलेंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है, मैंने आपको पहले नोट करवाई थी कि जिस संज्ञा शब्द में ये रे आए, री आए, षटकोण वाला श आए और क्षत्रिय वाला छ आए, तो तृतीय एक वचन में न की जगह अण और षष्ठी बहुवचन में जो नाम आता है इसकी जगह क्या हो जाएगा, णा, णा आदेश हो जाता है, बाकी जो का त्यों आएगा। जैसे कि मानो कि ये लता है, इसमें तो ये चार वर्ण नहीं है, माला में भी नहीं है, बालिका में भी नहीं है, चटका में भी नहीं है, किस में है, रमा में है, तो रमा शब्द सेम ऐसे ही बनेगा, रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, रमया, अब इसमें चूंकि न नहीं है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, रमया रमाभ्याम रमाभि रमायई रमाभ्याम रमाभ्य रमायहा रमाभ्याम रमाभ्य रमायहा रमयो रमानाम, यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या आ गया, रमा नाम आ गया, न आ गया, इसलिए र शब्द जो आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रमा णाम अणय हो जाएगा, न का क्या हो जाएगा, अणय हो जाएगा, बाकी जो कतु रमायाम रमयो रमासु, हे रमे हे रमे हे रमा। ठीक है, आ गया समझ में, यानी इस प्रकार से यह माला के क्या आएगा, विसर्ग आएगा, इस प्रकार से यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप बनेंगे। आप अपनी जो प्रैक्टिस नोटबुक है, रफ नोटबुक में, उसमें ये बालिका, रमा, चटका, लता इत्यादि ये शब्द रूप इसी की तरह बना सकते हो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, अपनी होमवर्क वाली नोटबुक में नोट कर लेना, इसके आगे कल पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।